नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th एलजीब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है। सो मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि एक वो एक अरेंजमेंट होता है। अब वो किसका अरेंजमेंट होता है? वो एक अरेंजमेंट होता है। अब ये किसका अरेंजमेंट होगा? या तो वो हो सकता है नंबर्स का, ठीक है, नहीं तो बोल सकते हम फंक्शंस। फंक्शंस मीन्स हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? नंबर्स नहीं तो कॉन्स्टेंट जो भी है, और फंक्शंस। तो बेसिकली तुम्हें समझना क्या है कि मैट्रिक्स क्या होता है? वो एक अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट? नंबर्स, फंक्शंस, वो सब। और एक और चीज़ तुम्हें याद रखना है कि ये जो फंक्शंस, नंबर्स, ये सब को अरेंज किया गया है एक फिक्स्ड फॉर्मेट में। ठीक है, अब समझते हैं कि ये फिक्स्ड फॉर्मेट होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली एक और चीज़ ये है कि मैट्रिक्स को कैसे डिनोट किया जाता है। डिनोट तो नहीं किया जाता है, हम बोल सकते हैं कि वो मैट्रिक्स को हमें लिखा जाता है ऐसे ब्रैकेट्स में, बोल सकते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, वैसे वाले ब्रैकेट्स में हमें लिखना होता है। अब इसमें भी जो भी तुम एंट्री करते हो, एंट्री का मीनिंग क्या होता है? जो भी तुम नंबर्स या फंक्शंस या जो भी डाल रहे हो इसमें, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। अभी मैंने तीन तीन पॉइंट बोल दिया। ये पहला पॉइंट है कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स होते हैं अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? नंबर्स या फंक्शंस, किसी का भी हो सकता है। और वो एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। वो फिक्स्ड फॉर्मेट को डिनोट किया जाता है, मतलब कि मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है इस वैसे वाले ब्रैकेट से। ठीक है, अब इसमें जो भी तुम एंट्री करोगे, नंबर्स डालोगे, 1 2 3 जो भी डालोगे, फंक्शंस डालोगे, साइन थीटा कॉस थीटा जो भी है, ABCD डालोगे, जो भी डालोगे, वो एक एक एंट्री जो है, ईच एंट्री जिसमें तुम डाल रहे हो मैट्रिक्स में, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। नहीं तो हम बोल सकते एक एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एक एक होगा तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। ये था एक ब्रीफ, नहीं तो छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखते नेक्स्ट पॉइंट, वो है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग है ऑर्डर, नहीं तो हम बोल सकते दूसरे वर्ड्स में डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस। अभी डायमेंशंस होता है क्या, वो हम समझ लेते हैं। अब देखो, मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ऐसे डिनोट किया था, यहाँ से बहुत सारे नंबर्स है जो भी है। ठीक है, एंट्रीज मैंने कर दिया, एलिमेंट्स मैंने डाल दिया इसमें। ठीक है, अभी ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ये नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहां से क्या समझ में आ रहा होगा? यहां से तुम्हें ये समझना है कि नंबर ऑफ रोज क्रॉस क्रॉस नहीं तो इनटू, ठीक है, नहीं तो इस टू भी बोला जाता है। ठीक है, वो हम समझेंगे। अभी एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, तो उसके साथ हम समझ लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सब मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया एक नंबर 4 2 3 1 2 4 कुछ डाल दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे ही डाल रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ये सब, मतलब यहाँ पे 1 0 0 1 जो भी डाल दिया मैंने। अब देखो, इसका तुम्हें ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं तो डायमेंशन बताना है। अभी डायमेंशन होता है क्या? मैंने क्या बोला था कि वो नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी इसको उल्टा मत कर देना, ठीक है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नहीं तो इंटू नहीं तो इस टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पे देखो, रोज क्या होता है? रोज बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये तो पता होगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल। कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल जो भी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या समझना है तुम्हें। रोज देखो ऐसे, अब इस मैट्रिक्स में कितने रोज है? 1 2, दो ही तो रो है, तो पहले तुम नंबर ऑफ रोज कितना लिखोगे? 2, तो इसमें 2 लिखोगे क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1, देखो 1 2 3, तीन कॉलम है तो लिखोगे 2:3, नहीं तो 2 x 3 भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब बोलने का तरीका है। अब देखो इसमें क्या समझना है तुम्हें, कि ये समझ में आ गया होगा, तो ज़्यादातर जो भी ऑर्डर है, ज़्यादातर इसके जो बगल में डाउन मोस्ट यहाँ पे लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है? मैट्रिक्स के राइट में डाउन डाउन बॉटम राइट में यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है,
ये बात तो क्लियर होगा। अब देखो इसका देखते हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? टू। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? टू, तो टू क्रॉस टू। ठीक है, तो ये था सिंपल सी बात है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये सब बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में, अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो सपोज मान लो नंबर ऑफ रोज मैंने ले लिया m, नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने ले लिया n, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर? एक जनरल थिंग बता रहा हूँ मैं, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? m क्रॉस 1 हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।